आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी। 4 मई के बाद अब तक 22वीं बार हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल आज 19 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 95.56 रुपए महंगा हुआ है, वहीं दिल्ली में डीजल 46.47 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 4 मई के बाद अब तक 22वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल आज 19 पैसे महंगा हुआ है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश के नेपाली फार्म पर लग रहे टोल प्लाजा के विरोध को लेकर प्रधान संगठन के कुछ लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्ट होने का कारण ये है कि धरने पर बैठे लोगों को टोल प्लाजा निरस्तीकरण का लिखित आदेश नहीं मिला है। आपको बता दें कि नेपाली फार्म स्थित बन रहे टोल प्लाजा के निरस्तीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मौखिक रूप से दावा किया गया है कि उक्त स्थान पर लगने वाले टोल प्लाजा को निरस्त किया जाएगा। विरोध में बैठे प्रधान संगठन के कुछ लोग विधानसभा अध्यक्ष के दावे से संतुष्ट नजर आए, तो वहीं टोल प्लाजा के निरस्तीकरण का लिखित प्रमाण को लेकर संगठन के कुछ लोगों ने आज भी धरना जारी रखा है। वहीं अनिश्चितकालीन धरने के समर्थन में अन्य संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारा एक ही बात है कि जब तक लिखित नहीं तब तक धरना स्थगित नहीं। देखिए, इन्होंने बात की होगी तो मौखिक रूप से है, तो हमें कह रहे हैं कि क्या वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के पास में जो है स्याही सूख गई है उनके कलम की, जो कलम से लिखना भी नहीं चाह रहे हैं भाई। जब मौखिक स्वीकृति मिल गई है कि आप नहीं बनेगा तो इनकी कलमों की स्याही सूख गई है, इनके प्रिंटर का जो है प्रिंट खत्म हो गया क्या कि उसकी एक कॉपी नहीं निकाल पा रहे हैं ये। हम तो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी वही लेके आ जाएं, और वो ये कह दे कि यार तुम बहुत बात कर रहे थे कि लिखित थी कि लो जी मैं तुम्हारा लिखित भी आ गया। हम तो ये कह रहे हैं वो भी ना आए, हमें फेसबुक व्हाट्सअप के माध्यम से ही वो पत्र मिल जाए कि भाई लिखित में आ गया है। लेकिन ये है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और चूंकि ये मामला जो है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, लादा जो है रेवेन्यू से जुड़ा विषय है, तो इसलिए सरकार की निष्ठा पर इसलिए शक पैदा होता है कि यार ये रेवेन्यू से जुड़ा विषय इतनी आसानी से जो है मुँह से कह रहे हैं। चूंकि 2022 का चुनाव है, अब 2022 के चुनाव के बाद कौन हारता है कौन जीतता है, कम से कम हमारे पास लिखित तो हो ताकि कि उस आधार पे हम कल NHAI को पकड़ें। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पहले दिन से ही जो हमारा प्रधान संगठन है जिसके अध्यक्ष जेठुड़ी जी हैं उनके नेतृत्व में लगातार यहाँ पर अपना समर्थन देकर जुटी हुई है, और हमारी भी एक सूत्रीय मांग यही है कि भाई जो टोल प्लाजा है जिसके निरस्तीकरण के एक मौखिक आदेश हुए हैं उसका एक लिखित आदेश केंद्र सरकार के द्वारा या संबंधित विभाग जो इसको बना रहा था NHAI उसके एक निरस्तीकरण का एक लेटर लेकर यहाँ पर जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनको दे दे और बता दे कि भाई ये निरस्त हो गया है तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन देखिए, मौखिक आदेश इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं इस क्षेत्र में ही, ऋषिकेश में भी, लेकिन उन आज तक वो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में मौखिक जो घोषणा हुई है कहीं ना कहीं वो संदेशपात लगती है, लोगों को उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है क्योंकि मौखिक घोषणाएं मौखिक ही होती है, चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं बहुत भारी घोषणाएं होंगी लेकिन वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए हम सबका यही मानना है कि लिखित दे दीजिए। हम बढ़ते वाली खबर की ओर। त्रिवेणी घाट पर लग रहे तिरंगे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगई पहुंची। इस दौरान महापौर ने कहा कि SDDA द्वारा त्रिवेणी घाट पर तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है, इसकी देखरेख निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगे के नीचे जगमगाती लाइटिंग के साथ चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान महापौर ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर आने वाले पर्यटकों के अंदर तिरंगे को देखकर देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न होगा। महापौर ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को 1 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई 2021 को तिरंगे का लोकार्पण किया जाएगा। सभी शहरवासियों के लिए इसकी बहुत बहुत बधाई है, और इस जगह पे बहुत जगह क्योंकि ये शहर विश्व पटल पे अंकित शहर है और ये सभी की हृदय स्थली है, त्रिवेणी घाट है, तो यहाँ पे हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से आस्था के भाव से देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं तो उसी अनुरूप में हम इस शहर को भी ढालें, और ख़ासकर जो ये पवित्र स्थान हमारा माँ
त्रिवेणी का संगम है यहाँ पर, इसको हम किस तरह से सजाएं संवारें, ये हमारी विश्व धरोहर है यहाँ पे। तो उसमें मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों यहाँ पे हम एक 100 फीट ऊंचा तिरंगा, और जो हमारा 100 फीट का तो ये पोल रहेगा, झंडे की हमारी 20x30 फीट की जो उसकी लंबाई चौड़ाई है 20x30 की है, तो इसके 3 फीट का ये चबूतरा है, इस पे भी हम नीचे तिरंगा लाइट है। विधानसभा ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर सोहलपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। रुक करते अगली खबर की ओर। चमोली के मनीष भंडारी नाम के एक शख्स ने विदेश में रहते हुए भी गांव वालों की मदद की है और पिछले महीने से लगातार मास्क और सैनिटाइजर भेजने का काम कर रहे हैं, जहां इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हर कोई अपनों की मदद के लिए हाथ बटा रहा है। तो वहीं नारायणबगड़ विकास खंड निवासी मनीष भंडारी ने भी विदेश में रहते हुए अपने गांवों के लिए सैनिटाइजर मास्क आदि भेजे हैं, जिन्हें उनके पिता और उनके सहयोगी टोली बनाकर लोगों में वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष भंडारी अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ के जिला चमोली के अध्यक्ष भी हैं। हमारे गांव में भाई डुंगरी गांव के हैं मनीष भंडारी जी, जो अभी साउथ कोरिया में जॉब कर रहे हैं, और वो इस कोविड महामारी में सारे गाँव के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव के लिए विगत काफ़ी दिन से मास्क, सैनिटाइजर और भी जो ज़रूरत के सामान है वो वितरित कर रहे हैं। मैं अपने आज ने मेरे गांव सीरी में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कराया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव की तरफ से इनका धन्यवाद। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार SSP के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पतंजलि पुलिया से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है, और तीसरे आरोपी को गोविंदपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग DM ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए और साथ ही जिला कार्यालय में कोरोना से संक्रमित बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने जिला चिकित्सालय सहित अन्य चिकित्सालयों में जरूरी संसाधन जुटाने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही उन्होंने आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सकों से सुझाव भी मांगे हैं। वहीं धनौरी में पंजाब नेशनल बैंक पर COVID-19 को लेकर कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहां ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में एक ही बैंक होने के कारण काफी भीड़ इकट्ठा रहती है। लोगों का यह कहना है कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में अगर बीमार शख्स को दवाई के लिए पैसे निकालने हों तो उसे भी बैंक में 4-5 घंटे लग जाते हैं। बैंक कर्मचारियों को बार बार सूचित कराने के बाद भी बैंक कर्मचारी कोई भी सुद इसकी नहीं ले रहे हैं। जो एक किसान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पैसे निकालने के लिए आए हैं, और यहाँ पे रोज का ये है, अभी देखो आप टाइम 10 बज चुके हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे, और ये अगर किसी को 500 रुपये निकालने, 1000 निकालने हैं तो पूरा दिन यहीं पर लगेगा। ये बुजुर्ग आदमी ये कैसे बैठ पाएंगे यहाँ पर, और ना कोई व्यवस्था है, कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, 2 कर्मचारी है पूरे बैंक में, कम से कम 50-60 बैंक लगे हुए हैं, और यहाँ पे दलाल आएंगे और वो अंदर घुस जाएंगे डायरेक्ट, उनको कोई मना नहीं करता है यहाँ पर। नहीं नहीं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ये टेंट जो लगा हुआ है ये अभी 2-4 दिन से लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग गई। विकासनगर तहसील क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई भी चल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति व उसका परिवार काफी दबंग प्रवृत्ति का है, बात बात पर गांव वालों के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी देता है। वहीं जब SDM विकासनगर से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना था कि इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई के लिए क्षेत्र पटवारी तहसीलदार को भेजा जाएगा, जो भी बात सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अभी धर्मावाला के कुछ ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनका कहना है कि ग्राम समाज की जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा है, तो उसमें अभी मैं अपनी रेवेन्यू की टीम को भेज के वहाँ पर चिन्हीकरण करवा लेता हूँ और एक जांच करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर जो भी अवैध निर्माण या अवैध कब्जा ग्राम समाज की या सरकारी जमीन पर निकलेगा उसको।
लालकुआ के बिंदु खता क्षेत्र के इंद्रनगर में विधायक निधि से सीसी रोड का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका ने किया। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक नवीन चंद ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रों की सड़कों का पक्का करा जाएगा और इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से भी जल्द जोड़ा जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये इंद्रनगर क्षेत्र है, छोटी छोटी बस्तियों के बीच में सीसी मार्ग बनाने का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, ये निरंतर चलता रहेगा। आज जो है उत्तराखंड सरकार का आयुष विभाग, उसने भी आज से कीड़े मारना शुरू कर दिया है, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के उनको बांटेगा। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करने की भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिडकुल में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला रोशनाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा हॉट मिक्सिंग प्लांट लगाया गया और बीते रोज हॉट मिक्सिंग प्लांट में अनियमित तरीके से फैलाए गए तारकोल की चपेट में कई लोगों के पशु फंस गए। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य डीएम से मामले में कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं लक्सर के नगर कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। इस हत्या में पुलिस को सफलता मिली है और हत्या का खुलासा कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए स्वाट टीम और सर्विस लाइन टीम का गठन भी किया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि पैसों की वजह से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना प्राप्त हुई कि मुंडा आखेड़ा गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके। तत्काल सभी उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और टीम गठित करी, इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है, जो इस महिला का जमीन का देखभाल करता है राजेंद्र, जिसको 15 दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंध का झगड़ा में जो है, जो 4 तारीख को फेरा हुआ था, उसमें भी जो मृतक है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उससे कुंडक लेते हुए 4:05 को जो रात में जो है ये घर के अंदर घुस कर इनका गला घोट कर, चुनी से गला घोट कर और पत्थर से इनका ऊपर हमला करते थे। रुक करते अगली खबर की ओर। लालकुआ के मोटा हल्दू इलाके में एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग हुई। कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मोटा हल्दू में बिना अनुमति के आयोजित हुई पार्टी में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसमें 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही फायरिंग करने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग करने वालों पर शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखने से लग रहा था कि कहीं किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में वहाँ पे सोशल मीडिया का वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था, कोरोना गाइडलाइन कोरोना एसओपी का पालन नहीं हुआ था और कुछ लोगों द्वारा वहाँ गैदरिंग इकट्ठी करके एक फंक्शन बनाया जा रहा था और उसमें कुछ आदमी जो है असलों से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। उसके वीडियो की जाँच के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने का और महामारी एक्ट में। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।